व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू YFL। एकदम असल झनझनीत कोल्हापुरी मिसल पाव की रेसिपी आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही स्पेशल कोल्हापुरी रेसिपी है। इस वीडियो में सबसे पहले कोल्हापुरी मिसल की जो तर्री होती है, एकदम स्पाइसी मज़ेदार तर्री, वो बनाएंगे। साथ ही में एक मटकी ची उसल और एक सूखी बटाट्याची भाजी, वो बनाने वाला हूँ। और लास्ट में ये कोल्हापुरी मिसल को असेंबल करने वाला हूँ। और ट्रेडिशनली ब्रेड के साथ सर्व की जाती है, लेकिन मैं आज पाव के साथ सर्व करने वाला हूँ और बहुत ही डिलिशियस लगती है ये रेसिपी। सबसे पहले मिसल बनाने के लिए एक ओला वाटन यानी कि एक वेट मसाले की पेस्ट बनाई जाती है। तो उसे एकदम परफेक्टली ग्राइंड कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं और उसके लिए कौन सा मिक्सर ग्राइंडर मैं यूज़ करता हूँ, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वाटन की तैयारी सबसे पहले कर लेते हैं। एक पैन सेट करके उसमें 1 से 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर दीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तो इसके अंदर कुछ मसाले हमें ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून शाहजीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 3 से 4 लौंग। अब इन मसालों को आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस कुछ ही सेकेंड्स के लिए स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद इसमें 1/2 इंच अदरक, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल और 1 टेबलस्पून खसखस इसमें ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और एकदम लो फ्लेम के ऊपर आपको बस 1 से 1.5 मिनट के लिए सारी चीज़ों को पकाना है। आपको ध्यान देना है कि आपको मसाले जलाने नहीं है, बस 1 से 1.5 मिनट के लिए आपको मसालों को पकाना है। तो अब मैंने मसालों को पका लिया है, अब इन्हें मैं एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मसालों को आपको अच्छे से ठंडा कर लेना है। जब तक मसाले ठंडे हो रहे, आगे की तैयारी कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। प्याज का जो छिलका है वो मैंने उतारा नहीं है। एक नाइफ़ यूज़ करके प्याज के ऊपर आपको कट लगाने, तो इस तरीके से 3 से 4 कट लगा दीजिए दोनों प्याज के ऊपर। अब इन प्याज को हमें भूनना है। तो प्याज को भूनने के लिए मैंने गैस के ऊपर एक जाली रखी हुई है, जाली के ऊपर प्याज को रख दीजिए। साथ ही में मैं यहाँ पर एक 1/2 सूखा खोपरा यानी कि ड्राई कोकोनट ले रहा हूँ, उसे भी मैंने भूनने के लिए प्लेस कर दिया है। अभी प्याज और नारियल को आपको अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक कि ये बाहर से पूरी तरीके से ब्लैक नहीं हो जाते। जैसे आप भरते को भूनते हो, उसी तरीके से प्याज और नारियल को भूनना है। नारियल जो है वो थोड़ा सा जल्दी भून जाता है, तो ध्यान दीजिए नारियल को पलटा पलटा कर दोनों साइड से अच्छे से ब्लैक होने दीजिए। एक बार ये ब्लैक हो जाए तो नारियल को आप अलग से निकाल कर साइड पर रख दीजिए। अब प्याज को भी इसी तरीके से भूनना है। तो प्याज को आप देख सकते हो, मैं पलटा पलटा कर इसको सभी बाजुओं से अच्छे से ब्लैक होने तक भून रहा हूँ। इससे क्या हो जाएगा, प्याज बाहर से तो ब्लैक हो जाएंगे लेकिन अंदर से जो है काफ़ी कुक हो जाएंगे और एक स्मोकी फ्लेवर इनमें आ जाएगा, जिससे हमारे वाटन को बहुत अच्छा एक फ्लेवर मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो प्याज अच्छी तरीके से ब्लैक हो चुके हैं, अच्छे से भून गए हैं। इस स्टेज पर प्याज को भी आप निकाल कर अलग से रख दीजिए। तो प्याज और नारियल को मैंने भून लिया है, अभी इसे मैं बस कट कर रहा हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा ध्यान से काटिए। तो प्याज को ऐसे आप क्वार्टर्स में कट कर सकते हो और नारियल को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में आप कट कर सकते हो। प्याज और नारियल को मैंने पीसेस में कट कर लिया है, अभी हमें वाटन को पीसना है। तो एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार के अंदर भुने हुए प्याज और नारियल को ऐड कर दीजिए। साथ ही में जो हमने मसालों को तेल के अंदर भून के रखा हुआ था वो भी ऐड कर देने। यहाँ पर और एक इंग्रेडिएंट ऐड कर रहा हूँ, 1/4 कप ग्रेटेड नारियल मैंने ऐड कर दिया है, ये फ्रेश वाला नारियल है। अब थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ग्राइंड करने के लिए, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। ढक्कन लगाकर अभी इस वाटन को हमें अच्छे से पीस लेना है। पीसते समय कोशिश कीजिए कम से कम पानी यूज़ कीजिए और एकदम फाइन वाटन आपको बना लेना है। अभी आप देख सकते हो वाटन को मैंने पीस लिया है, एकदम फाइन तरीके से पीस गया है और हमारा वाटन जो है वो रेडी हो गया। ओला वाटन बनाने के लिए मैंने आज प्याज और नारियल को गैस के ऊपर डायरेक्टली भून लिया था। अब महाराष्ट्रियन क्विजीन में ऐसे किया जाता है, इससे एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है वाटन के अंदर और मिसल बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप चाहते हैं तो प्याज को और नारियल को दोनों को तेल के अंदर भी स्टार्टिंग में भून कर वाटन के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो अगर आप चाहें तो। दूसरी बात, वाटन को पीसते समय कम से कम पानी का आपको इस्तेमाल करना है। पानी अगर ज़्यादा होगा तो जब भी आप वाटन को तेल के अंदर पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए पानी कम यूज़ कीजिए। और वाटन का जो टेक्सचर है वो एकदम फाइन होना चाहिए, तो एकदम फाइन तरीके से आपको पीसना है। वाटन को एकदम फाइनली पीसने के लिए मैंने अपने हैमिल्टन बीच इंडिया के प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ किया है।
इसमें एक 1400 वॉट्स की कमर्शियल ग्रेड की मोटर है जो इसे बहुत ही पावरफुल बना देती है। मैं कई सारी चीज़ें आसानी से इसमें पीस लेता हूँ, जैसे चटनी, सूखे मसाले, ग्रेवीज, वेट मसालों की पेस्ट, और सारी ही चीज़ें बहुत ईजीली ग्राइंड हो जाती है। इनफैक्ट मेरे लास्ट वीडियो में मैंने एक कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है इस रेसिपी का, और सारे ही मसाले बहुत आसानी से मैंने पीस लिए थे। इनफैक्ट जो हल्दी और सिनेमन जैसे एकदम हार्ड स्पाइसेस हैं वो भी आसानी से पीस जाते हैं। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी के लिए। पावर के साथ सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी हैं। इसका जो लिड है वो 100% लीक प्रूफ है। लिड लगाते ही इसमें डबल इंटरलॉकिंग सिस्टम है, एक भी लॉक अगर आपने नहीं लगाया तो ब्लेड स्टार्ट ही नहीं होगा, और मिक्सर चलाते समय अगर आपने एक भी लॉक को खोल दिया तो मिक्सर ग्राइंडर का जो ब्लेड है वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, और बहुत ही सेफ है इस मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ करना। इस मिक्सर ग्राइंडर के साथ आपको 3 डिफरेंट साइजेस के स्टेनलेस स्टील जार्स मिल जाते हैं, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो पावर के साथ आपको सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती है इस मिक्सर ग्राइंडर में, और हमेशा एकदम कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल रिजल्ट्स आते हैं। अब हमारा ओला वाटन रेडी हो गया है। नेक्स्ट हमें मिसल की तर्री बनानी है, जिसके लिए सबसे पहले हमें मटकी को बॉईल करना है, उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो 3 कप स्प्राउटेड मटकी लिए मैंने यहाँ पर, और इसे मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, और 1.5 से 2 लीटर पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब ढक कर आपको इसे कुक करना है। ढकने के बाद मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए आपको मटकी को कुक करना है। आपको मटकी को उतना ही कुक करना है कि मटकी जस्ट कुक हो जाए और आपका जो पानी है उसमें सारा मटकी का फ्लेवर आ जाए। तो 15-20 मिनट में आसानी से ये हो जाएगा। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मटकी भी पक चुकी होगी। तो अभी आप देख सकते हो पानी का कलर एकदम चेंज हो गया है और मटकी भी जो है वो अच्छे से पक गई है। इस स्टेज पर आपको मटकी को छान लेना है। तो एक छन्नी ले लीजिए और मटकी को छान लीजिए। ध्यान देना है कि जो पानी है उसे हमें फेंकना नहीं है, यही पानी हम यूज़ करेंगे तर्री बनाने के लिए। तो मटकी को मैंने छान लिया है, अब आप देख सकते हो ये जो पानी है इसकी हम तर्री बनाएंगे, और ये जो मटकी है पकी हुई उसकी हम एक सूखी मटकी की उसल बनाएंगे। तर्री बनाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए और उसमें 1/2 कप तेल ऐड करना है। तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है इस रेसिपी में, अगर आप कम ऐड करना चाहते हैं तो कम ऐड कर सकते हैं। तो ऑयल एक बार अच्छे से हीट हो जाए, इसमें मैं अभी एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर रहा हूँ। प्याज को अभी आपको मीडियम हीट के ऊपर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से प्याज को पका लीजिए, जब तक कि ये अच्छे से भून नहीं जाता है। अब आप देख सकते हो प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज पर आपको मसाले ऐड करने से पहले फ्लेम को एकदम लो कर देना है। 3 टेबलस्पून कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला, 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब मसाले ऐड करने के बाद फटाफट से स्टर कर लीजिए। 1 से 1.5 मिनट के लिए आपको मसालों को पकाना है। ध्यान रखना है फ्लेम लो होनी चाहिए, आपके जो मसाले हैं वो जलने नहीं चाहिए। 1 से 1.5 मिनट के बाद इसके अंदर जो हमने वाटन प्रिपेयर की थी वो ओला वाटन इसमें ऐड करना है। वाटन ऐड करने के बाद इसमें टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करके आपको मीडियम फ्लेम के ऊपर इस मसाले को अच्छे से पकाना है। मसाले को आपको तब तक पकाना है जब तक कि तेल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता है मसाले से। ये प्रोसेस को कम से कम 10 से 15 मिनट मिनिमम लगेंगे। तो पकाते समय आपको कभी भी लगे कि मसाला काफ़ी ड्राई हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा गरम गरम पानी डालकर इसे और आगे पका सकते हैं, जब तक कि तेल अलग नहीं हो जाता है मसाले से। तो अभी आप देख सकते हो मैंने 10-15 मिनट के लिए कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इस मसाले को पका लिया है, और मसाले से अच्छे से तेल भी छूट चुका है। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर जो हमारी मटकी का जो पानी था बॉईल किया हुआ वो इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो सारा मटकी का पानी आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद अच्छे से आपको मसाले को और इस स्टॉक को मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आप मिसल की कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है आपको थोड़ा सा और पानी डालना है तो इसमें और आप गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। अब आपको इस तर्री को 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाना है। आपको जो मसाला है उसको अच्छे से पका लेना है स्टॉक के साथ, और इसका जो तेल है वो अच्छे से ऊपर फ्लोट हो जाना चाहिए। ये जो तेल है इसे भी तर्री या कट कहा जाता है, और ये बहुत फ्लेवरफुल होता है, काफ़ी स्पाइसी होता है, और मिसल की रेसिपी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो अभी आप देख सकते हो मैंने 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे से इस तर्री को पका लिया है और ऊपर जो कट है वो एकदम फ्लोट हो रहा है, तेल ऊपर अच्छे से आ चुका है। इस स्टेज तक आपको अच्छे से इस मिसल को पकाना है तो ही आपकी मिसल की जो तरी है वो टेस्टी बनेगी। अभी यहाँ पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ नमक एडजस्ट करने के लिए, तो नमक मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने नमक यहाँ पर ऐड कर दिया है। अच्छे से स्टर कर लीजिए नमक ऐड करने के बाद। अब लास्ट में इसमें मैं खूब सारा ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रहा हूँ। धनिया ऐड करने के बाद अच्छे से स्टर कर लीजिए और ये हमारी कोल्हापुरी मिसल की तरी रेडी हो गई। तो हमारी झनझनी तर्री रेडी हो गई है कोल्हापुरी मिसल की। अब ये काफ़ी स्पाइसी होती है, लेकिन सिर्फ स्पाइसी नहीं, काफ़ी फ्लेवरफुल भी होती है। लेकिन अगर आपको अपने पैलेट के हिसाब से इसकी स्पाइसीनेस कम करनी है तो जो कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला है वो थोड़ा सा कम ऐड कीजिए, वो काफ़ी स्पाइसी होता है। दूसरी बात, तेल काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐड किया जाता है क्योंकि इसमें हमें जो ऊपर जो फ्लोट होता है तेल है, जिसे कट कहा जाता है, वो बहुत ज़रूरी होता है इस रेसिपी के लिए। वो काफ़ी फ्लेवरफुल होता है और काफ़ी स्पाइसी भी होता है। अगर आप कम करना चाहते हैं तेल को तो कर सकते हैं, ऑथेंटिक वे में तेल थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है। एक बार आपकी तरी रेडी हो गई तो आप ऊपर से ये कट को निकाल कर अलग से एक बोल के अंदर भी रख सकते हैं और सर्व करते टाइम पे जितना तेल आपको ऊपर से ऐड करना है स्पाइसीनेस बढ़ाने के लिए उतना कट ऊपर से ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान दीजिए। अब जो मटकी है उसे भी कई बार इस तरी के अंदर ही डाल कर पकाया जाता है, लेकिन आज मैं इसकी एक सूखी भाजी बना रहा हूँ। असेंबल करते टाइम वो मटकी की भाजी, आलू की भाजी वगैरह अलग से असेंबल करके खाने में बहुत मज़ा आता है। तो मटकी चिउसल कैसे बनाते हैं सूखी वाली वो देख लेते हैं। एक पैन में एक टेबलस्पून तेल डालकर गरम कर लीजिए, एक टीस्पून राई और एक से दो चॉप की हुई हरी मिर्ची डालकर राई को क्रैकल होने दीजिए। अब इसके अंदर जो हमारी कुक की हुई मटकी है वो ऐड कर दीजिए, साथ ही में हाफ टी स्पून हल्दी, एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक टेबलस्पून कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला, टेस्ट के हिसाब से नमक और ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया। ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए। अभी आपको मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इस भाजी को 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है, तो अच्छे से स्टर करके 5 से 6 मिनट के लिए इस भाजी को पका लीजिए। अब आप देख सकते हो मैंने भाजी को अच्छे से पका लिया है। अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और ऐड कर दीजिए और ये आपकी मटकी चिउसल रेडी हो गई है। नेक्स्ट बटाटे की भाजी बना लेते हैं। एक पैन के अंदर एक टेबलस्पून तेल डालकर गरम कर लीजिए, फिर आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून राई, एक से दो हरी मिर्च, 10 से 12 कड़ी पत्ते और एक मीडियम साइज का अनियन स्लाइस करके ऐड कर दीजिए। तो प्याज को अभी मीडियम हीट के ऊपर लाइट गोल्डन ब्राउन करने तक हमें पकाना है। स्टर करके अच्छे से प्याज को पका लीजिए। 4 से 5 मिनट में प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। एक बार प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए इसमें अभी बॉइल्ड पोटेटोज ऐड करने। तो यहाँ पर मैं अपने हाथों से रफली मैश करके आलू ऐड कर रहा हूँ। 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू मैंने यहाँ पर लिए, साथ ही में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक और खूब सारा फ्रेशली चॉप्ड धनिया इसमें ऐड कर दीजिए। अब अच्छे से आपको स्टर करना है और मीडियम हीट के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए सब्जी को पकाना है। अच्छे से स्टर कीजिए और करछी से लाइटली इस सब्जी को मैश भी करते रहिए। तो अभी आप देख सकते हो मैंने अच्छे से भाजी को मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है और हमारी बटाटियाची भाजी रेडी हो गई है। तो कोल्हापुरी मिसल के लिए हमारे सारे कॉम्पोनेंट्स रेडी हो गए हैं। कुछ और भी अकम्पनीमेंट्स हैं वो भी मैंने सेट करके रखे हैं। नाउ लेट्स असेंबल दिस मिसल पाव YFL स्टाइल।
असल झनझनीत कोल्हापुरी मिसल पाव हमारी इनक्रेडिबल बनी है आज, बहुत ही डिलिशियस बनी है। ये काफ़ी स्पाइसी होती है लेकिन काफ़ी फ्लेवरफुल भी होती है। कई लोगों को लगता है कि खाली मिर्ची का पानी होता है, पर ऐसे नहीं है। जो वाटन है, कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला है, ये सब डालकर एकदम फ्लेवरफुल मिसल बनती है और महाराष्ट्र में ऐसे ही खाई जाती है। तो आप अगर ये रेसिपी बना रहे हो, हल्की सी स्पाइसी ही बनाओ। थोड़ा सा स्पाइस कंट्रोल करना है, थोड़ा सा दही डाल सकते हो स्पाइस कंट्रोल करने के लिए, बाद में ताक पी सकते हो बटर मिल्क या छाछ थोड़ा सिस्टम कूल डाउन करने के लिए। लेकिन वो जब भी तरी, फरसान, नींबू, कांदा सब एक साथ आता है और सॉफ्ट सॉफ्ट पाव के साथ जब इस मिसल को इन्जॉय करोगे, इसका मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनती है और मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, आपको ट्राई करनी पड़ेगी ये, तभी आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर आप कोल्हापुर से हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारा ही रेसिपी कशी वाटली, आई लव टू नो दैट। और आज मैंने जो अपने हैमिल्टन बीच इंडिया के प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर के बारे में आपको बताया, इट ऑलवेज वर्क्स लाइक अ ब्रीज। Hamilton Beach is America's number one small kitchen appliance brand, which has more than 100 years of experience in grinding, mixing and blending, and is a well-trusted brand. और आपको 5 साल की वारंटी भी मिल जाती है, जिससे आप टेंशन फ्री इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो और आपको बहुत मज़ा भी आएगा ये प्रोडक्ट यूज़ करने में। If you want to know more about this product or if you want to buy this product, I have mentioned a link in the description. You can check it out over there. तो ज़रूर बनाओ ये रेसिपी अपने घर पर और मुझे बताओ आपको कैसी लगी। Share this video with your friends and family. Hit the like button if you like this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful, असल कोल्हापुरी झनझनीत मिसल पाव recipe at your home. Cheers.